क्या हुआ आपकी, क्या है, क्या हुआ? जुनैद की अम्मी आई थी आज, तो उसको तुम्हारी शादी का बता दिया। क्या कह रही थी? उसका बेटा ना तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है, ऐसी बेबस और लाचार माँ क्या कर सकती है? मुसीबत गले पर गई है। उस मुसीबत को ना अपने गले तुमने खुद डाला है। मैंने कोई गले वाले नहीं डलवाया, ठीक है ना, वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा। और मैंने कोई दावी नहीं किया था उससे शादी की। मोहब्बत का जवाब तो दिया था ना। हाँ तो वो मरने मिटने की बातें करता, क्या करती मैं? अगर वो अब मर जाए तो? कोई किसी पीछे मरता मरता नहीं है, सब ड्रामेबाजी होती। मुझे तो बस ये डर है ये बात रज़ी को ना पता चल जाए। उसको नहीं पता चलेगा अगर तुम नहीं बताओगी तो। हर वक्त नॉन सीरियस है ना। उफ़ अभी तो मैं क्या करूँ, हनीमून पे जा रही हूँ, मेरा मूड ऑफ हो गया सारा। आप ही सुनो, हम ना सिंगापुर जा रहे हो। हाय अल्लाह, मैंने तो कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं सिंगापुर जाऊंगी। खुशकिस्मत हो तुम बस। तुम्हें भी कहती थी कि लाइफ एंजॉय कर लो, क्योंकि तुम बुढ़ी हो। मैं बहुत खुश हूँ जैसी भी हूँ। इतनी कसर नफ्ती भी अच्छी नहीं। अच्छा अच्छा जाओ, चाय का कर जाओ, बनाओ, मैं जा रही हूँ। तो आप अपने बेटे को संभालती ना, क्यों मेरी बेटी के पीछे आया था? अवारा, अब यहाँ खड़े खड़े शोर ना कीजिएगा, जाइए यहाँ से। अम्मी, मेरा भी रिजल्ट आने वाला है, मैं अब्बा की दुकान पे जाना शुरू कर देता हूँ, सारा बिजनेस सीखता हूँ और कंप्यूटर का कोर्स भी करता हूँ, तो वो राजी हो जाएंगे ना? क्या लिया? 2000। हाँ ना बेटा, थैंक यू। हाँ देखो जरा। हेलो हेलो शौकत, जुनैद आया था? हाँ नहीं, अभी नहीं आया। उसको कुछ मत बताइएगा, बहुत कमजोर दिल का मालिक है वो। अरे आखिर बताओ तो सही, बात क्या हुई है? वो उस लड़की की शादी हो गई। मुझे पहले ही पता था, दिखा दी ना औकात उन लोगों ने अपनी। मैंने जुनैद को यही कहा है कि तुम कोई नौकरी ढूंढो, पढ़ लिख जाओ। वो तो आज से निकल गया नौकरी ढूंढने के लिए। अगर ये सच कब तक छुपेगा उससे? ये पता नहीं। वो आ गया है। ओके अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हो, ठीक हो? जी अच्छा बताएं, ये वाला रखूं कैसा है या ये वाला? बताएं ना, ये वाले। ओहो खराब करती है, मैं खुद रखती हूँ। अच्छा वैसे हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? गुड क्वेश्चन, बट मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि जब तक हम वहां जाकर बहुत बहुत इंजॉय नहीं कर लेते ना, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। हाँ ओ मामा, आज हो गई तैयारी। बैठो बेटे बैठो। जी पैकिंग क्या हुआ, कब है फ्लाइट? मामा वैसे तो 4 घंटे में है, बट हम बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। अच्छा और कितने दिनों का प्लान है भाई? मामा फिलहाल तो हम सिंगापुर जा रहे हैं, बट अगर सनम का दिल ना भरा तो हम और कंट्रीज घूम लेंगे। आप मुझे इतना चाहे घुमा लें, मैं नहीं थकूंगी, बेशक पूरा दिन घूमते रहे हम। खैरियत से जाओ, खुश खुश वापस आओ। मामा आपकी बहू बहुत हसमुख है, मुझे हमेशा खुश रखेगी। माशाल्लाह, खुश रहो हमेशा।
फजाला क्या बात है, आज इतनी खामोश क्यों हो? खैर से सनम अपने घर की हो गई और बाहर के मुल्क घूमने भी चली गई।